गोरखपुर जनपद के पीपीगंज थाना क्षेत्र के कस्बे में लूट व चोरी की घटनाओं को गोरखपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देशन के क्रम में गोरखपुर पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र श्रीवास्तव द्वारा संगठित अपराध करने वाले गिरोह का चल रही धरपकड़ के क्रम में पीपीगंज थाना प्रभारी पुलिस अरविंद कुमार सिंह ने मुखबिर की सूचना के अनुसार पीपीगंज कस्बे के एक स्कूल के समीप चोरी के आशय से इकट्ठा दो लोगों को पकड़ा। मौके पर चोरी की दो मोटरसाइकिल बरामद हुई, वहीं एक व्यक्ति मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। दो व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और थाने ले आई। पूछताछ के दौरान दोनों व्यक्तियों ने बताया कि पीपीगंज थाने के अंतर्गत गुरम पोखरा स्थित झाड़ियों में बाकी 8 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, जिसके क्रम में आज पीपीगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान बाल अपचारी के रूप में हुई है। इस कामयाबी में शामिल पीपीगंज थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह, उप निरीक्षक शेर बहादुर यादव, उप निरीक्षक नितिन श्रीवास्तव, उप निरीक्षक अजीत यादव, हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार, कांस्टेबल उमेश कुमार सिंह, कांस्टेबल दत्तात्रेय सिंह, कांस्टेबल संजीव कुमार यादव, कांस्टेबल सत्यवीर सिंह, कांस्टेबल अमरनाथ यादव, कांस्टेबल अजीत यादव थाना पीपीगंज रहे। देखिए, एसएसपी गोरखपुर सर द्वारा जो एक अभियान चलाया जा रहा है संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का, उसके तहत आज थानाध्यक्ष पीपीगंज और उनकी टीम द्वारा बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया गया है, जिसके तहत आज दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 10 मोटरसाइकिल उनके कब्जे से बरामद की गई है। ये एक बड़ा गैंग है, इसके अभी कुछ सदस्य फरार चल रहे हैं जिनके नाम पते हमें ज्ञात हो गए हैं, और उसके आधार पर उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे भी कई बाइकों की रिकवरी की जाएगी। अब तक कुल 10 मोटरसाइकिल हमारे कब्जे में आ चुकी हैं और ये न केवल गोरखपुर बल्कि आसपास से भी मोटरसाइकिल चुराते थे, तो इन पर आगे भी प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं हूँ धर्मेंद्र साहनी, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। इस समय मौजूद हूँ मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर थाना पीपीगंज। आप सामने देख रहे हैं कि पुलिस विभाग द्वारा एक अच्छा कार्य हुआ है, जो लगभग 10 गाड़ियां पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और दो लोग को जेल भी भेज दिया गया है। आपको बताते चलें, सामने दिख रहा है पीपीगंज थाना, और पीपीगंज थाना के एसओ द्वारा एक अच्छा कार्य हुआ है, जो लगभग 10 गाड़ी थाने पे तैनात है। आप लोग देख सकते हैं सामने,